इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एब्रेशन क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और इसे हम कैसे समझ सकते हैं और ये कितने टाइप्स का होता है। तो आइए समझते हैं व्हाट इज एब्रेशन। एब्रेशन लेंसों में होने वाली एक कमी है जिसकी वजह से लेंस के अंदर बहुत सारी फोकल लेंथ हो जाती हैं और एक ही ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेजेस बनती हैं, जिससे इमेज ब्लर हो जाती है और इंटेंसिटी कम होती है। दैट मीन्स इमेज साफ दिखाई नहीं देती। इसी को हम कहते हैं एब्रेशन। एक बार रिपीट करूँगा, एब्रेशन लेंसेज में होने वाली एक कमी है जिसकी वजह से फोकल लेंथ अलग अलग हो जाती हैं और इमेज साफ दिखाई नहीं देती। दैट मीन्स इंटेंसिटी कम हो जाती है। और एब्रेशन टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन और एक होते हैं मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन। तो जो क्रोमेटिक एब्रेशन होते हैं उसमें डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो होते हैं मोनोक्रोमेटिक उसमें डिपेंड करती है ज्योमेट्री। तो पहले समझेंगे हम क्रोमेटिक एब्रेशन। ऐसे एब्रेशन जो लाइट के कलर पर डिपेंड करते हैं, क्रोमेटिक मीन्स यहाँ पर होता है कलर से। जैसा कि आप जानते हैं वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से इन सभी कलर्स की फोकल लेंथ अलग अलग हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक लेंस है, यहाँ पर वाइट लाइट यानी कि जिसके अंदर 7 कलर्स होते हैं इंसिडेंट करती है, तब बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं ये फोकल लेंथ, जो वायलेट कलर होता है उसकी फोकल लेंथ तो यहाँ पर कम हो गई और जो रेड कलर होता है उसकी फोकल लेंथ यहाँ पर ज़्यादा हो गई और बाकी सब फोकल लेंथ बीच में आती हैं वायलेट और रेड के। तो यहाँ पर जो ये दो इमेजेस बन रही हैं इनके बीच में 5-7 इमेजेस और होंगी अलग अलग कलर की। इसी को हम कहते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक है और यहाँ पर इमेजेस बन गई बहुत सारी। तो यहाँ पर इमेजों का अलग अलग बनना किसी अलग अलग पॉइंट्स पर, वायलेट के लिए अलग, रेड के लिए अलग, इसी को हम कहते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। क्योंकि यहाँ पर जो डिवाइडेशन हुआ है वेवलेंथ का वो हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, इसलिए फोकल लेंथ अलग अलग हुई है। अब बात करते हैं मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन। तो यहाँ पर लाइट तो एक ही कलर की होती है क्योंकि मोनोक्रोमेटिक का मीन्स होता है सिंगल कलर। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर ये लेंस है, तो ये 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है स्फेरिकल एब्रेशन, दूसरा होता है कोमा और तीसरा होता है एस्टिगमेटिज्म। तो आइए समझते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। जैसे ही लाइट रेज किसी लेंस पर इंसिडेंट होती है तो जो पैरेक्सियल रेज होती हैं उनकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है और जो मार्जिनल रेज होती हैं एक्सिस से दूर उनकी फोकल लेंथ कम होती है। लेकिन इन दोनों की इमेज एक्सिस पर ही बनती है। ऐसे एब्रेशन को हम कहते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रेज मार्जिनल हैं उनकी फोकल लेंथ कम है और जो पैरेक्सियल हैं उनकी फोकल लेंथ ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो ये इमेज अलग अलग बन रही है इसी को हम कहते हैं स्फेरिकल, और ये एक्सिस पर ही बनती है, स्फेरिकल एब्रेशन। उसके बाद बात करते हैं कोमा की। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सिस पर ना होकर थोड़ा ऊंचाई पर रखा होता है तब यहाँ पर जो ये इमेज बनती है वो एक्सिस पर न बनकर परपेंडिकुलर बनती है और एक ही लाइन पर। आप देख सकते हैं ये मार्जिनल रेज है, इनकी इमेज यहाँ पर बनी है, और ये पैराक्सियल रेज है, इनकी इमेज यहाँ पर बनी है। लेकिन जब भी इमेज एक्सिस के परपेंडिकुलर बनती है हम उसको कहते हैं कोमा। देखिए यहाँ पर एक्सिस के पैरेलल थी तब थी ये स्फेरिकल, जब परपेंडिकुलर तब बात करते हैं कोमा। अब बात करते हैं एस्टिगमेटिज्म की। अगर मान लेते हैं कोई सोर्स एक्सिस से परपेंडिकुलर प्लेस किया हुआ है और दोनों इमेज एक्सिस के पैरेलल बनती हैं, देखो यहाँ पर ये देख सकते हैं, इनको बोलते हैं मार्जिनल रेज, जो एक्सिस से दूर होती हैं उनकी इमेज ये बनी है और जो एक्सिस के पास में है उनकी इमेज ये बनी है। अगर यहाँ पर एक्सिस के पैरेलल है तब इसको बोलते हैं हम एस्टिगमेटिज्म। तो आप देख सकते हैं स्फेरिकल में एक्सिस पर थी और पैरेलल थी, कोमा में एक्सिस पर नहीं थी और परपेंडिकुलर थी। वैसे ही यहाँ पर देख सकते हैं एस्टिगमेटिस में पैरेलल है और आगे पीछे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो लेंसेज में जो कमी होती है ऑन द बेसिस ऑफ इमेज का अलग अलग बनना, यानी कि यहाँ पर फोकल लेंथ अलग अलग बनना, इसी को हम कहते हैं एब्रेशन। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।